फ्रेंड्स स्वागत है आपका व्यंजन बाटी का रसोई में आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस छोले और भटूरे चलिए स्टार्ट करते हैं छोले भटूरे बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले छोले बनाएंगे छोले के लिए चनी को आठ दस घंटे पानी में भिगो कर रखेंगे अब एक पोटली तैयार करेंगे इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे दालचीनी तेज पत्ता बड़ी इलायची छोटी इलायची काली मिर्च लौंग और चाय पत्ती इन सभी की एक मलबल के कपड़े से पोटली तैयार करेंगे अब एक कुकर लेंगे और उसमें चने को डाल देंगे बेकिंग सोडा और नमक डाल देंगे और जो हमने पोटली तैयार की थी वो डाल देंगे और हमें तीन चार सीटी तेज़ आंच पर रखना है और दो सीटी धीमी आंच पर कुकर की लेना है अब इसमें चार कप पानी डाल देंगे और छोले को अच्छे से पका लेंगे अब भटोरे के लिए आटा तैयार करेंगे इसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें मैदा लेंगे एक कप सूजी दो चम्मच और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसमें शक्कर बेकिंग पाउडर आधा चम्मच सोडा आधा चम्मच इन सभी चीजों को डाल दिया अब दही दो बड़े चम्मच और इसे पानी की सहायता से गुंथ लेंगे आटा थोड़ा सा सॉफ्ट गूथना है जिससे कि भटोरे अच्छे से फूलेंगे ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है अब इसे दो से तीन घंटे ढककर रख देंगे तैयार करेंगे छोले की ग्रेवी के लिए मसाला इसके लिए हमने प्याज लहसुन अदरक जीरा इन सभी को बारीक पीस लेंगे बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे ये देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो गया है अब हम तीन चार टमाटर को कट करके टोमेटो प्योरी तैयार कर लेंगे अब एक पैन गरम करेंगे उसमें दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे एक बड़ा चम्मच लहसुन कट किया हुआ और अदरक कट किया हुआ डाल देंगे उसके बाद एक छोटा प्याज़ बारीक कट किया हुआ डालेंगे प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है ट्रांसपेरेंट होने तक भुनिए उसके बाद जो हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल दीजिए इससे छोले का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और इसे अच्छे से भून लीजिए अब सूखे मसाले डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब उसमें टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे जब टमाटर की ग्रेवी भुन जाएगी तब उसमें छोला मसाला और चाट मसाला पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है अब सबसे लास्ट में नमक डालेंगे नमक हमने छोले में भी डाला था इसलिए उसके हिसाब से आप अप, अपने टेस्ट के अनुसार डालिए ये देखिए छोले हमारे कितने बढ़िया तैयार हुए हैं कितना अच्छा कलर आया है इससे सारे खड़े मसाले हमारे मुंह में भी नहीं आएंगे और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा और कलर भी काफ़ी अच्छा आया चाय पत्ती ज़्यादा नहीं डालनी है आपको एक ही चम्मच चाय पत्ती का यूज़ करना है ग्रेवी तैयार हो चुकी है इसमें हम छोले डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ये देखिए कितने बढ़िया छोले हमारे रेडी हो चुके हैं अब इसे धनिया और प्याज हरी मिर्च से गार्निश कर दीजिए अभी हमारा डो तैयार हो गया ये हमने पहले से बना के रखा था इसलिए दो तीन घंटे हो गए तो इसको आप जिस भी शेप में बटोरे को बेलना चाहें बेल लीजिए उसके बाद एक पैन गर्म कीजिए और उस हाई फ्लेम पर रखना है आपको तेज आंच पर ही बटोरे तलना है नहीं तो फूलेंगे नहीं और बिना आटे के बेलना है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें बनाते समय ये देखिए कितना बढ़िया फूला हुआ है हमारा बटोरा इसी तरह से आप बिना आटे के बेलिए तो इसमें काफ़ी अच्छे से फूलेगा आटा लग जाने से पूरे प्रॉपर फूलता नहीं है ये देखिए आप जितने भटोरे बनाएंगे सारे के सारे आपके फूलेंगे इस तरह से आप तैयार कीजिए काफ़ी अच्छे भटोरे बनेंगे आपके तो देखा आपने कितने आसानी से हमने छोले भटोरे बनाए तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद